हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी जहां पे चल रही हमारी हमारे टी वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर सिक्स के कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं टीवाई बी कॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है बट जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस किया तो उनको काफी ज्यादा क्लैरिटी होगी और सबसे ईजी टॉपिक्स इजी सब्जेक्ट यही लग रहा होगा क्लियर है बट जिन बच्चों को डाउट है कंफ्यूजन है शॉर्ट नोट्स को लेके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लेकर सर कौन कौन से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और कितने मार्क्स के बन सकते हैं कंप्लीट आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशली प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स के बारे में चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट सबसे पहला आपको सिलेबस थोड़ा सा देखना जरूरी है और सिलेबस जब बच्चे देखते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा स्टार्टिंग से कुछ भी तो सबसे बड़ा टेंशन उनको ये सिलेबस देने वाला है कि सर हमारे सिलेबस जो भी मनन प्रकाशन मेरे पास है तो भाई मनन प्रकाशन में आप देखोगे तो भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन तेरा टॉपिक दिए हैं सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि स्टार्ट कहां से करें शॉर्ट नोट्स हमारे लिए आसान कहां से बनेंगे इजी कहां से बनेंगे इंपॉर्टेंट कौन से हो सकते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है क्लियर हर एक इंफॉर्मेशन देंगे बट जस्ट एक छोटा सा भाई पेपर पैटर्न की थोड़े से एक मिनट में बात कर लेते हैं क्या है तो आइडिया और परफेक्ट समझेगा कि भाई पासिंग के लिए क्या टॉपिक करके जाऊं मैं एंडिंग टाइम पे अभी भी आपके पास दो दिन का कंप्लीट टाइम है और मुझे लगता है कि ईजिली हर एक बच्चा प्रैक्टिकल अभी भी कंप्लीट कर सकता है कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स आपको ईजी पड़ेगा क्लियर है कि नहीं तो जो टेंशन इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर है तो उसमें कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए बच्चों को ईजिली दो दिन का टाइम है इनफ बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सकती है बट बताएंगे कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर वन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स तो ये तो भाई ऑल यूनिट से करना पड़ेगा इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है रिमेनिंग जो 80 मार्क्स uh, के पेपर हमारे बच जाते हैं उसके इंपॉर्टेंट की बात करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूंगा क्वेश्चन नंबर टू है थ्री है फोर है ये हमारे प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल देखने मिलेगा बट जब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस बोले तो जीएसटी के बारे में तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल शायद ही कोई बनेंगे जहाँ पे ट्वेंटी मार्क्स का पैटर्न दिखेगा आपको जो पैटर्न बेसिकली दिखता है भाई ये प्रैक्टिकल टेन के ऑप्शन में टेन एंड ये ऑप्शन में टेन के ऑप्शन में टेन बट ध्यान रखना कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जैसा ट्वेंटी का पेपर था वैसे ही सिमिलर उसी पैटर्न में सेट करेंगे ट्वेंटी में मे भी चेंज कर सकते हैं भाई तो इसलिए ऑप्शनल भी करके अपने को जाना है ये नहीं कि भाई कि टेन के ऑप्शन में सर प्ले टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया था तो यहाँ पे भी टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया था सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई दिया था तो इसके ऑप्शन में जो दिया था ट्वेंटी थर्ड के पेपर में वही आएगा नहीं तो मैं कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही बताऊंगा भाई कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने क्योंकि एग्जाम इनकेस कैसा भी पेपर सेटअप करें तो भी आपके मार्क्स कंप्लीट कवर हो जाने चाहिए और फिर से बता दूं भाई एक ऐसा टॉपिक है ऐसे टॉपिक्स आपके हैं जो इजीली हर एक बच्चे के जिन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा ही नहीं है उनके भी इजिली वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे क्लियर है चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट समझा क्वेश्चन नंबर टू में टेन के ऑप्शन में टेन टेन के ऑप्शन में टेन यहाँ पे भी सिमिलर है यही चीजें चलेंगी भाई टेन के साथ टेन एंड ऑप्शन में टेन मार्क्स के ऑप्शन में टेन मार्क्स देखने मिलेगा मतलब टेन टेन का पैटर्न चलेगा क्लियर है क्वेश्चन नंबर फाइव आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे लॉन्ग मत करना भाई लॉन्ग आंसर आपको नहीं करना है इसे ध्यान रखना लॉन्ग आंसर आप नहीं करना लॉन्ग के ऑप्शन में शॉर्ट्स आता है तो शॉर्ट नोट्स कर लेना ये आपके लिए एडवांटेज हो सकते हैं तो पहले प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दिन चलेंगे कौन से टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स पे चलिए किसी बच्चे ने अगर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया कुछ भी मैं बोलता हूं प्रैक्टिस नहीं किया तो देखो स्टार्ट कहां से करेगा उनके पास इजिली टाइम है तो ध्यान रखना मेरा सजेशन है कहीं भी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा परेशान मत होना पहले ही हिंट दे दूँ क्योंकि YouTube पे जब आप जाओगे तो भाई बहुत सारा डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा तो सबसे बेस्ट जो मुझे सजेशन इंडिंग टाइम पे लगता है कि आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने टॉपिक वो पर्टिकुलर टॉपिक किया है तो उनको पकड़ लो एक घंटे के लिए आधे घंटे के लिए दो घंटे के लिए सीधा शॉर्ट्स में समझा देगा भाई क्या स्टोरी है, है उस टॉपिक का अब यूट्यूब पे जाओगे तो आपको पूरा डिटेल्स देखना पड़ेगा क्लियर अब किसी फ्रेंड को पकड़ोगे तो सिंपल से कि सर तीन घंटे की स्टोरी आधे घंटे एक घंटे में बता देगा और इजी ट्रिक के साथ बता देगा सीधा समरी पार्ट के जैसा मैं बोल रहा हूं टाइम बचेगा आपको प्रैक्टिस के लिए एक टाइम मिल जाएगा दो बेनिफिट्स आपको है इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा तो इंडियन टाइम पे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ऐसा फील होता है बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप यूट्यूब से पढ़ लो क्या जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ से पढ़ना है चलिए सबसे पहला टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ से स्टार्ट करना आप पहला टॉपिक मेरा सजेशन है यहीं से स्टार्ट होगा टाइम ऑफ सप्लाई से अपना स्टार्ट करना सेकेंड है उसके जस्ट नीचे नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा टॉपिक है क्लियर है

टेन टेन मार्क्स से कितने एग्जाम्पल आपको देखने मिल सकते हैं दो एग्जाम्पल देखने मिल सकते हैं क्लियर है आई थिंक समझा होगा तो हर एक बच्चा पहले यही दो टॉपिक को, को पिक करेगा और इसकी प्रैक्टिस करने वाला है कौन सा सेवन एंड एट या फिर टॉपिक का नाम देख लो भाई टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन बारह से स्टार्ट होगा चौदह पे खत्म हो जाएगा एंड नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन सेवन सेवन टू थर्टीन की बात करेगा क्लियर है पहले इसको आप नोट कर लो टॉपिक नोट कर लेना है टॉपिक आपको ये नोट करना है नेक्स्ट ये दो टॉपिक होने के बाद कितने मार्क्स क्लियर कराएंगे आपके टेन प्लस टेन टेन uh, प्लस टेन अब ध्यान रखना ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई टाइम ऑफ सप्लाई के ऑप्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई दिख जाए या फिर टाइम ऑफ सप्लाई का एक, एक एग्जाम्पल प्लेस ऑफ सप्लाई का एक, 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 एक एग्जाम्पल मतलब कैसा भी एग्जामर सेटअप कर सकता है क्लियर इसलिए मेरा सजेशन है भाई दोनों कर लो आप अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में आए हैं तो आपके फोर्टी मार्क्स का बेनिफिट हुआ एक के ही ऑप्शन में आए तो भी ट्वेंटी मार्क्स का बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में दिख सकता है नेक्स्ट आ जाना टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन कितने नंबर की बात करेगा 10 प्लस टेन दो एग्जाम्पल देखने मिल सकते हैं आपको क्लियर है Next. Input tax credit. कितने मार्क्स की बात करेंगे 10 प्लस टेन अब ये कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा सर 10 10 10 10, 10, 10 10 10 10 60 टेन सिक्सटी का प्रैक्टिकल है, है यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई किसके ऑप्शन में एग्जामिनर क्या सेटअप कर देंगे ये कुछ फिक्स नहीं इसलिए मेरा सजेशन है पहले स्टार्टिंग के ये चार टॉपिक आप प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रट लो चार टॉपिक पहले ये रट लो पूरा कौन से ये चार टॉपिक हंड्रेड परसेंट मेरा यही सजेशन है सब हर एक बच्चा सबसे पहले यही टॉपिक को पिक करेगा तो इसको नोट करो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए चार टॉपिक कर लिया मेरा सजेशन मैं तो यही बोलूंगा भाई पांच टॉपिक करके जाओ लास्ट पहले लेकिन ये चार होने के बाद ही जाना किसी और टॉपिक पे बट ये हो जाता है तो चैप्टर नंबर फोर कलेक्शन ऑफ टैक्स के बारे में जाना दो प्रैक्टिकल एक तो हंड्रेड परसेंट है भाई दो प्रैक्टिकल देखने मिल सकते हैं पांच प्रैक्टिकल टॉपिक ये मेरा सजेशन है प्लस एक ये काउंट होगा तो टोटल सजेशन कितना हो गया भाई पाँच पाँच टॉपिक जो हैं आपके ये ये पाँच टॉपिक आपके कवर करा देंगे सिक्सटी मार्क्स सिक्सटी मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया क्लियर है आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का बट अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करोगे तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था बट मेरा सजेशन है भाई पहले आप यही कर लोगे तो आपके कवर हो जाएंगे आपके कवर हो जाएंगे बट एक इजी टॉपिक बनता है आपका रजिस्ट्रेशन वाला जिस बच्चे को भाई यहाँ से कोई टॉपिक हार्ड लगेगा ये रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ लेना बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल टॉपिक मैं बोलूँगा बनता है भाई कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने मिल सकता है टेन मार्क्स का बट फिर से लाइन अपनी रिपीट करूंगा पहले स्टार्टिंग जो पांच मेंशन किया क्लियर आपके सामने टॉपिक दिख रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई पहला टॉपिक है नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई तीसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है चौथा एंड नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स का पांचवा पांच टॉपिक होने के बाद ही लास्ट इस पर शिफ्ट होना है और प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करना है ये तो वैसे ही दो टॉपिक आप कट कर सकते हो भाई स्कोप ऑफ सप्लाई भी आप कट कर लो इधर पे फिफ्थ कट कर दो सिक्स कट कर दो एंड लास्ट के तीनों प्रैक्टिकल में जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं इन्हीं का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आप एकदम माइंड में फिट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करके आना सिक्सटी मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा जो बच्चे एंडिंग में भी आएंगे तो उनको भी मेरा सजेशन है भाई मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस करो एंड एंडिंग टाइम पे बहुत डीप में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना सीधा ट्रिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है क्योंकि मैंने पहले सजेशन दिया भाई डायरेक्ट टैक्स के जैसा इंडायरेक्ट टैक्स नहीं है इनडायरेक्ट में जितने रूल्स आपको याद रखने भाई कौन सा एग्जाम है क्या कंडीशन uh, है वो पढ़ लो सबसे इंपॉर्टेंट इन टाइम पर यही है मतलब शॉर्ट ट्रिक के बेस पर जाना है भाई बहुत डीप में नहीं जाना ये मेरा सजेशन है बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल लगेगा आप वैसे जा सकते हो तो प्रैक्टिकल का कौन से मुझे लगता है बच्चों का क्लियर हो गया होगा जो टॉपिक्स जो कंफ्यूजन किसके ऑप्शन में क्या बन सकते हैं मैंने सीधा बता दिया भाई ये पास कर लो कि एग्जामिनर किसी के ऑप्शन में कोई भी टॉपिक रखने दो आपके सिक्सटी मार्क्स हो गए सिक्योर कैसा भी सेटअप करने दो ये टॉपिक अगर आप करके जाते 60 हो सिक्सटी मार्क्स आपके फिक्स हो गए ये अपने माइंड में रख लेना प्रैक्टिस करके जाना बस ये कंडीशन है नेक्स्ट है आज और शॉर्ट नोट्स को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो शॉर्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं देखो इधर पे और इसका मतलब समझो क्या है भाई फर्स्ट एंड सेकेंड दो में से एक के आने के चांस बन सकते हैं ऐसा नहीं हंड्रेड परसेंट आएगा बट बन सकते हैं देख लो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर क्लियर है दो है पढ़ लेना नेक्स्ट एरो दिया इसका मतलब है कि ये तीन में से बेसिकली एक आने के चांस हो सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई से कितने एक क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं नेक्स्ट है भाई एग्रीगेट टर्न मतलब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं यहाँ पे दिया प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई एंड इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है ये तीन में से यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं मतलब ध्यान रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इनडायरेक्ट टैक्स में थेटिकल पार्ट हमारे काफी ज्यादा है मतलब हर एक टॉपिक से आप एनालिसिस करो कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसीलिए ऐसा एक्यूरेट सिर्फ पांच मतलब पांच आएगा तो मैं छत आठ ही नहीं दे सकता एटलीस्ट आपको बारह से पंद्रह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी ये मेरा सजेशन है और इसी पैटर्न में करना साथ में मतलब ऐसा नहीं एक एक दो करना एक तो एटलीस्ट चांस बन सकता है भाई तीन करना एक चांस बन सकता है दो किया एक चांस बन सकता है तीन किया एक चांस बन सकता है ये पहले आप नोट कर लो स्क्रीन ले लो और जो भी पब्लिकेशन आपके पास है वहीं से प्रैक्टिस करना इसके नोट्स अवेलेबल नहीं है ये मैं पहले ही गाइड कर देता हूँ बता दे रहा हूँ क्लियर है आई थिंक समझा होगा बच्चे को नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा देखो स्टेट एनी फाइव एग्जेम सर्विसेज अब ये जो सर्विसेस है अगर आपने जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो इनको पता होगा भाई एजुकेशनल भी है हेल्थ को लेके भी है मतलब हर एक डिपार्टमेंट को लेके तो कोई भी पूछ सकते हैं या फिर सीधा बोलेंगे भाई पांच सर्विसेज आप बता दो नोट कर लेना पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट ऑर्डर टू इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में है उसका सेटअप के बारे में पूछा जाता है कैसे आप करोगे नेक्स्ट दो में से एक पूछ सकते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन पूछ सकते हैं लास्ट अपनी कंपोजिशन स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है मतलब इसमें से एक बन सकता है यहाँ से एक बन सकता है ये इसमें से एक बन सकता है एक बन सकता है टोटल काउंट कर लो कितने क्वेश्चन है लगभग मुझे लगता है तीन प्लस दो पाँच इधर है स्क्रीनशॉट पहले आप इसका लो इसी टॉपिक से रिलेट करके आएंगे बस इसके बाहर तो मुझे नहीं लग रहा कि पूछेंगे चलिए आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा मतलब जो भी शॉर्ट नोट्स के पार्ट बनेंगे ध्यान रखना मोस्टली इसी से रिलेट होके बनेंगे या फिर इसी में से ही बनने वाले तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल्स जो बता दिए उस पर फोकस कर लेना तो आपके ईजिली इनडायरेक्ट टैक्स मेरी गारंटी है भाई दो दिन में ही जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया था मैंने सिंपल सजेशन दिया एंडिंग टाइम पे शॉर्ट ट्रिक्स इजी वे ही आप ढूंढना डीप में नहीं पढ़ना ये चीज ध्यान रखना अदरवाइज टाइम ऑप हो जाएगा आपको बोरिंग भी लगने वाला है अगर पढ़ने बैठो जो एंडिंग में आया और इनडायरेक्ट uh, टैक्स कुछ पढ़ा नहीं तो उनको बोरिंग भी लगेगा फिर तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कि वो यही है शॉर्ट ट्रिक्स आओ दो चार एग्जाम्पल अपने फ्रेंड सर्कल है जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो भाई उनसे सीखना तीन चार से चार एग्जाम्पल आप खुद से प्रैक्टिस कर लो टॉपिक हो, हो गया क्लोज मतलब ये आपको आइडिया चल जाएगा क्लियर है आई थिंक क्लियर हुआ होगा हर एक बच्चे का जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन थे या फिर जिन बच्चों ने पूछे थे पर्सनल या फिर नीचे कॉमेंट में आया था फिर भी किसी बच्चे को इनडायरेक्ट टेक्स को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके चलिए मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच